और सवाल यही है कि जब ये दोनों मिले यानी कि पुतिन और किम, तो आखिर क्या होने वाला है? क्या विश्व युद्ध हो जाएगा? क्या विश्व युद्ध का ट्रेलर देखने को मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन ने किम के लिए रेड कारपेट बिछाया तो पश्चिम में दहशत फैल गई। पुतिन और किम की दोस्ती अमेरिका और नेटो के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। खतरे का पहला संकेत यह है कि आज किम जोंग रूस की पैसिफिक फ्लीट की ताकत देखने जा रहे हैं। उधर रूस की नॉर्दर्न फ्लीट भी एक्शन में साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट ने भी सबकी चिंता बढ़ाकर रख दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुतिन और किम जोंग उनकी दोस्ती विश्व युद्ध का ट्रेलर तो नहीं? आज इसी बड़े सवाल पर हम करेंगे अपने खास मेहमानों से चर्चा, क्योंकि पूरी दुनिया को चिंता से भर देने वाले ये सवाल हैं। पहली बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये कि पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ सकती है। रूस की पैसिफिक फ्लीट का दौरा करने जा रहे हैं किम जोंग उन। किम पैसिफिक फ्लीट का युद्धाभ्यास देखेंगे, वॉर प्रैक्टिस देखेंगे। किम रूस के युद्धपोत और पनडुब्बी भी देखेंगे। पैसिफिक फ्लीट की मिलिट्री परेड भी देखेंगे किम जोंग उन। तो समंदर में संधि तबाही को हरी झंडी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो पैसिफिक फ्लीट को देखने जा रहे हैं किम जोंग उन, उसका मतलब क्या? यहां पर आप समझिए बिग बॉल के जरिए। समंदर में संधि तबाही को हरी झंडी, किम के सामने रूसी नेवी की वॉर ड्रिल होगी, परमाणु पनडुब्बी बारूद बरसाएगी। बिल्कुल, और पैसिफिक फ्लीट की वो ताकत देखेंगे, बॉम्बर बम वर्षा करेंगे किसके सामने? किम जोंग उन के सामने, वो भी रूस की सरजमीन पर। और देखिए साथ ही युद्धपोत युद्धाभ्यास भी करेंगे इस दौरान, लड़ाकू विमान मिसाइल गिराएंगे। ये सब कुछ होगा जब पैसिफिक फ्लीट को देख रहे उसकी ताकत के लिए खुद जाएंगे किम जोंग उन। बिल्कुल, और कई सवाल देखिए करुणा खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि यूक्रेन युद्ध के बीच पैसिफिक फ्लीट में किम जोंग क्यों? ये प्रदर्शन किम जोंग के सामने क्यों किया जा रहा है? अगला सवाल आप देखिए, क्या पुतिन और किम का पश्चिम की घेराबंदी का ये पूरा प्लान है? ये जोड़ी क्या करने वाले, इसी को लेकर पश्चिम सहमा हुआ है। बिल्कुल, सवाल नंबर तीन, क्या पुतिन और किम जोंग अमेरिका के लिए मुसीबत बढ़ाने वाले हैं? वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या खतरे की घंटी है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर साहब, ये प्रदर्शन इस तरह से अपने तमाम हथियारों को किम जोंग के सामने नुमाया करके रूस क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? रूस और नॉर्थ कोरिया की ये गलबैया आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाने वाली है? देखिए, पुतिन का ये जो डिस्प्ले है वो इसलिए है कि नॉर्थ कोरिया को कन्विंस करना कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जा सकती है। अगर वो उनको पैसिफिक फ्लीट दिखा रहे हैं, एयर एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनसे कह रहे हैं कि जो आपने मिसाइल बनाए हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनका अब ट्रायड बनाने का वक्त आ गया है। नॉर्थ कोरिया की नेवी बड़ी कमज़ोर है, नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स भी उतनी ताकतवर नहीं है। उन्हें एक ये संदेश दे रहे हैं कि आप एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल क्यों नहीं बनाते, आप सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल पे क्यों नहीं काम करते, और ये अगर काम आप करते हैं तो आपको रूस की मदद मिल सकती है। इसी तरीके से कॉस्मोड्रोम में मिलने का कारण था कि हमें आपको सैटेलाइट प्रोजेक्ट पे मदद करेंगे। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि रूस को नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री पावर की दरकार है यूक्रेन वॉर में। हार्डवेयर की बात मत कीजिए, मैं कह रहा हूं सेनाओं की। और ये आप देखिएगा कि एक बिल्कुल, और कर्नल यूएस राठौर सर, जो आपने बड़ी बात कही है, ट्रायड बनाने की कोशिश है जिसमें चीन भी साफ तौर पर नजर आता है, आखिर यह कोशिश कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है पश्चिम के लिए? लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की नॉर्दर्न फ्लीट की बारूदी ड्रिल, किम के पैसिफिक फ्लीट जाने से पहले यह ड्रिल अंजाम दी गई है। रूस के युद्धपोत ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई है, एंटी सबमरीन हथियार और मिसाइलें दागी गई।